चलिए आज हम लौकी की टेस्टी सब्जी बनाएंगे। नया बिल्कुल तरीका है। सबसे पहले हमने क्या किया है, लौकी को अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद गोल शेप में कट करेंगे। गोलाई में काटने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इस तरह से काट लेंगे। कट कर लिया है, अब क्या करेंगे, अब इसमें दो से प्याज काटना है, दो से तीन प्याज काट लेना है। प्याज काटने के बाद अब इसमें दो टमाटर भी काट लेना है। अब काटने के बाद इसमें चार से पांच हरी मिर्ची काट लेना है। लहसुन को छील लेना है। अच्छी तरह से ये रेडी हो गया। अब तेल चढ़ाएंगे कढ़ाई में। तेल चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, अब जो लौकी हमने काटी थी गोलाई शेप में, गोल शेप में काटने के बाद अब उसे तेल गर्म होने के बाद इसमें तेल में छोड़ देंगे। तेल में डालने के बाद अभी देखिए तेल में तल लेंगे अच्छी तरह से। पकौड़े के शेप में जैसे गोलाई में काटा है तो एकदम टेस्टी सब्जी बनेगी। बिल्कुल नया तरीका है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हम गोलाई शेप में लौकी को भून लिए, लौकी को काट लिया इस तरह से भून लिया है। अब क्या करेंगे, लौकी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद दूसरी कढ़ाई लेंगे। दूसरी कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसमें दो चम्मच जीरा ऐड करेंगे, छोटा वाला चम्मच है। अब इसमें दो चम्मच जीरा ऐड कर दिया। जीरा भूनने के बाद अब इसमें दो प्याज जो हमने कट की थी वो डालेंगे। प्याज प्याज को अच्छी तरह से भूनने देंगे थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हिलाते रहेंगे, प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए प्याज भून जाएगी। अब इसमें हम वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब ये देखिए ऐसे ही लाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, दो से तीन चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन बेसन को भून लेंगे। अब तेल है कम है, इसमें एक चम्मच घी ऐड कर देंगे। इसे तरीदार बनाने के लिए एक चम्मच घी ऐड करेंगे। कर दिया हमने, बट अब इसे भून लेंगे। भून गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। दो से तीन चम्मच पानी ऐड कर देंगे, या आधा कप, हाफ कप ले लीजिए। हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। चलिए अब इसमें क्या, आधा कप पानी और ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चला देंगे ताकि कढ़ाई में चिपके ना, जले ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, हरी मिर्ची ऐड कर दी। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और अब इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी, जल्दी से पूरा देखिए वीडियो को। देखिए लास्ट में कितनी टेस्टी सब्जी बनेगी, बिल्कुल नया तरीका है। अब इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया है। अब इसमें पानी ऐड कर दिया है। एक गिलास पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चलाना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें दो चम्मच हल्दी। दो चम्मच हल्दी डालने के बाद एक चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें और कुछ नहीं डालना है, ना ही मसाला डालना है, कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है हेल्थ के लिए। अब क्या करेंगे, देखिए मसाला रेडी हो गया है, बिल्कुल एकदम से पक गया है। दो से तीन मिनट के लिए हमने पका दिया है ये धीमी आंच में। गैस को लो कर लेंगे। लो करने के बाद इस तरह से पका देंगे। टमाटर और प्याज जो मसाला है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, मसालेदार टेस्टी हो जाएगा एकदम। देखिए कितनी महक आ रही है, एकदम खुशबू आ रही है। अभी देखिए प्याज वो और लहसुन अच्छी तरह से भुन गया। अब क्या है, मसाला रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हमने जो लौकी गोल शेप में कटी हुई थी उनको डाल देंगे। लौकी डालने के बाद अभी देखिए लौकी डाल दी है। अब देखिए इसे एक मिनट तक पकाना है। एक मिनट तक पकाने के लिए धीमी आंच कर देंगे गैस की। अब इसमें क्या करेंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे। अभी देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनेगी, एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। कमेंट बॉक्स में फिर बताना आपको ये कब सब्जी कैसी लगी। एक बार मेरे तरीके से जरूर बना के देखिएगा सब्जी, बिल्कुल नया तरीका है, जल्दी से